इफ द ये हम देख रहे हैं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक न होने वाला आघात हम सबको आज लगा है। श्री अरुण जेटली 70 के दशक से देश के राजनीतिक क्षेत्र के अंदर अविरत काम करते रहे। इमरजेंसी के दौरान 19 महीने जेल में रहने वाला छात्र नेता, उसके बाद एक मेघावी एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ढेर सारी जन समस्याओं को कानून के माध्यम से सुलझाने के लिए कई भ्रष्टाचार के मामलों को मुखर कर आवाज देने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। एक सांसद के नाते भी हमेशा अरुण जी जनता की आवाज बने, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक क्रूसेडर का रोल उनका रहा। जब विपक्ष के नेता रहे हैं, ढेर सारे भ्रष्टाचार के मामलों को तर्कबद्ध रूप से राज्यसभा में उन्होंने रखकर देश के अंदर एक जागरूकता लाने का प्रयास किया, और सरकार में जब जब रहने का मौका मिला, चाहे वो अटल जी की सरकार हो चाहे श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, हमेशा एक कुशल प्रशासक के रूप में अरुण जी नजर आए। जनधन अकाउंट नीचे तक पहुंचाना हो, नोटबंदी की बात को सफल करना हो, जीएसटी को सुचारू रूप से लागू करना हो, हर तरह के काम के अंदर उन्होंने बड़ी तन्मयता के साथ राष्ट्र विकास में अपना योगदान किया। मोदी जी के नेतृत्व में वो रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री का सफल कार्यभार का उन्होंने निर्वहन किया। आज उनके न रहने से देश की संसद ने एक मुखर कर बोलने वाला सांसद गवाया है। एक अच्छा प्रशासक भारत के लोकतंत्र ने गवाया है। एक मेघावी वकील देश की सुप्रीम कोर्ट ने गवाया है, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे यशस्वी नेताओं में से एक नेता गवाया है। जहां तक मेरा सवाल है, मेरे व्यक्तिगत जीवन में जब जब भी संकट आए, हमेशा अरुण जी मेरे साथ खड़े रहे हैं, मुझे ढाढ़स बंधाई। मेरे परिवार को भी कई बार उन्हें संकट के समय में बाहर निकालने का हौसला बंधाया, और कई कार्यकर्ताओं के जीवन में इस प्रकार से वो मदद रूप रहे। आज श्री अरुण जेटली हम सब के बीच में नहीं है। मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इनकी आत्मा को चीर शांति दे, और उनके परिवारजनों को और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये आघात सहन करने का हौसला दे। यही